वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन बचपन प्ले स्कूल कुसुम बिहार। तो आज क्लास में हम सीखने वाले हैं छोटी एंड बड़ी के बारे में, जो कि आता है ओ एंड आ के बाद में। तो यहाँ पे पहले छोटा वर्ण का सबसे जो पहला अक्षर है उसको हम क्या बोलते हैं ओ, दूसरा अक्षर है आ, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो पहला था ओ आ एंड उसके बाद में जो आता है नेक्स्ट उसको हम क्या बोलते हैं छोटी। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दो नोटबुक दिख रहा होगा, एक ये नोटबुक जो कि होता है सिंपल हिंदी राइटिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, एंड इसके अलावा एक और नोटबुक है मेरे पास में जिसके बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके सो पहले हम जान लेते हैं कि छोटी एंड बड़ी का पैटर्न कैसा होता है, एंड उसके बाद में हम इसको लाइन में लिखना सीखेंगे। ओके सो छोटी बनाने के सबसे पहले हमें करना क्या होगा, एक स्लिपिंग लाइन बनाना होगा जो कि मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। पहले हमें क्या करना होगा, एक स्लिपिंग लाइन देना होगा। ओके एंड आफ्टर स्लिपिंग लाइन इसके बीच में से हम बनाएंगे छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। और जहां से स्टैंडिंग लाइन एंड होता है वहां से हम एक कर्व बनाएंगे इस टाइप से, एंड इस कर्व के एंडिंग पॉइंट से हम एक पीछे की ओर टर्न लेके जाएंगे। हमने पहला कर्व एंड किया था वहां से हमने दूसरा कर्व बना दिया है, और जहां पे दूसरा कर्व एंड हुआ है उसके पॉइंट से हम एक टेल बनाएंगे पीछे की ओर लाते हुए कुछ इस तरीके से। ओके तो इस टाइप से हमारा छोटी बन जाएगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, यहाँ पे पहले हमें क्या करना होगा, एक स्लीपिंग लाइन बनाना होगा, उसके बाद में हम बनाएंगे एक इसके बीच में से एग्जैक्टली एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन। इस स्टैंडिंग लाइन के एंडिंग पॉइंट से हम बनाएंगे एक कर्व कुछ इस तरीके से। अब जहां पे एक कर्व खत्म हुआ है वहां से हम एक और कर्व बनाएंगे, लेकिन ये कर्व होगा उल्टा, यानी कि ये जाएगा इसके पीछे ऐसे। और जहां पे दूसरा वाला कर्व खत्म हो रहा है उसके एंडिंग पॉइंट से हम बना देंगे एक टेल कुछ इस तरीके से। तो ऐसे में हमारा क्या बन जाएगा, छोटी ई बन जाएगा। अब बारी आती है बड़ी ई की। तो यहाँ पे बड़ी ई के ऊपर में सिर्फ एक टेल बना हुआ है, बाकी सारी चीजें सिमिलर टू छोटी ई है। तो एक बार हम देख लेते हैं फिर से, ताकि हमारा छोटी ई का रिविजन भी हो जाएगा एंड हम बड़ी ई भी बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है ऑलरेडी, एक स्लिपिंग लाइन बनाना होगा एंड फिर एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बिल्कुल इसके बीच में से, एंड उसके बाद जहां पे ये स्टैंडिंग लाइन खत्म हो रही है वहां से हम बनाएंगे एक कर्व आगे की ले जाते हुए, एंड जहां पे ये कर्व खत्म हो रहा है उसके एंडिंग पॉइंट से पीछे की ओर ले जाते हुए हम बनाएंगे एक और कर्व, एंड उस कर्व के एंडिंग पॉइंट से हम पीछे की ओर ले जाते हुए बना देंगे एक टेल। ठीक है, तो ऐसे में हमारा बहुत ही सुंदर सा छोटी ई बनके रेडी है। अब इसको बड़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी बनाने के लिए बस ऊपर से हम एक टेल बनाते हुए लाएंगे एंड इस लाइन से मिला देंगे। ओके सो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा ना, ये छोटी ई है एंड ये बड़ी ई है। छोटी ई में क्या होता है, ऊपर में टेल नहीं होता है, एंड बड़ी ई में ऊपर में टेल होता है। अब इसका जो प्रोनाउंस करने का तरीका है वो भी डिफरेंट है, यानी कि कैसे हम इसको बोलेंगे। तो छोटी ई को हम कैसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जस्ट लाइक इमली, स्त्री, ईंधन, इस टाइप से हम बोलते हैं कुछ। लेकिन जो बड़ी ई होती है उसको बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, यानी कि इसको हम प्रोनाउंस करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से। छोटी ई को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसके लिए हमें ज्यादा फोर्स नहीं देना होता है अपने बोलने पे, लेकिन जब हम बड़ी ई को प्रोनाउंस करेंगे तो वहां पे हमें ज्यादा फोर्स देना होता है। कैसे, ये होता है ई फॉर इमली। ओके ई फॉर इमली, इसको हम नॉर्मली पढ़ लेंगे इमली। जब बड़ी से स्टार्ट होने वाले वर्ड की बात आती है शब्द की, तो यहाँ पे हम एक बनाते हैं, लिखते हैं शब्द का नेम जो क्या है, ईंख है। तो हम इसको ईंख नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ईंख नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ईंख, ईंख। ठीक है, इसी टाइप से एक और शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं ईट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों में डिफरेंस, इसको बोलने में कम फोर्स लग रहा है एंड इसको बोलने में ज्यादा फोर्स लग रहा है, यानी कि छोटी ई को बोलने में हमें ज्यादा जोर नहीं देना है एंड बड़ी ई को बोलने में हमें ज्यादा जोर देना है। सो ऐसे वाली कॉपी में हमने बड़ा सा ई का पैटर्न जान लिया, छोटी एंड बड़ी ई दोनों का पैटर्न। अब देख लेते हैं कि इसको इस टाइप की कॉपी में कैसे लिखेंगे। इस टाइप की कॉपी में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तभी हमें लाइन में लिखना आएगा। तो देख लेते हैं, पहले यहाँ पे फर्स्ट हम देख लेते हैं लाइन्स कितनी है। सो हियर आर 1 2 3 4 5 लाइन्स। तो ये इसका जो पैटर्न है वो इंग्लिश की कॉपी के जैसा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इंग्लिश में होता है 4 लाइन और यहाँ पे कितनी लाइन है, 5 लाइन्स। तो अब क्वेश्चन है कि हम लिखना कैसे है। तो फर्स्ट वाला पिंक लाइन एंड लास्ट वाला पिंक लाइन दोनों को हम क्या करेंगे,
छोड़ देंगे, यानी कि ड्रॉप कर देंगे, टच नहीं करेंगे। एंड उसके बाद बीच के जो 3 ब्लैक लाइन बच रहे हैं, 1, 2, 3, इसके बीच में हम हिंदी के कोई भी किसी भी अक्षर को, किसी भी शब्द को लिखेंगे। तो अभी हमें क्या लिखना है, छोटी लिखनी है। तो छोटी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन से स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या बनाएंगे, ऑलरेडी हमको पता चल चुका है कि पहले हम क्या बनाना है, एक स्लिपिंग लाइन। तो यहाँ पे छोटा सा बनाएंगे एंड इस स्लिपिंग लाइन के बीच में से एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे ऐसे, और इस स्टैंडिंग लाइन के एंडिंग पॉइंट से हम बनाएंगे एक कर्व ऐसे वाला, और इस कर्व को पीछे की ओर ले जाते हुए बना देंगे एक और कर्व, एंड दूसरे वाले कर्व के एंडिंग पॉइंट से हम बना देंगे एक टेल। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया, छोटी। ओके, ये हमारा क्या बन गया, छोटी। इसी टाइप से हम देख लेते हैं एक बार और, पहले क्या बनाना होगा हमें, स्टैंडिंग लाइन, सॉरी स्लिपिंग लाइन, एंड आफ्टर दैट इसके बीच वाले सेक्शन से हम बनाएंगे छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, एंड इस स्टैंडिंग लाइन के एंडिंग पॉइंट से हम बनाएंगे एक कर्व, इस कर्व के एंडिंग पॉइंट से पीछे की ओर जाते हुए बना देंगे एक और कर्व, और जहां पे ये कर्व खत्म होता है उसके लास्ट वाले छोर से पीछे की ओर जाते हुए हम क्या बना देंगे, एक टेल। इस टाइप से हमारा ई बन के तैयार है। अब बड़ी ई बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिमिलर चीज हमें फॉलो करनी है। पहले हमें क्या करना है, एक स्लिपिंग लाइन, देन छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व, आफ्टर दैट वन मोर कर्व, ये उल्टा होगा पहले वाले कर्व के, एंड देन टेल, एंड उसके बाद इसके ऊपर से एक और टेल रहेगा। जैसे कि हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो भी हमारा छोटी होता है उसमें टेल नहीं होता है, एंड बड़ी में टेल होता है। सो इस टाइप से हम छोटी एंड बड़ी को लिख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में 2 छोटी इज है, एंड उसके बाद में बड़ी इज है, एंड उसके बाद में फिर से छोटी एंड फिर से बड़ी। एक बार फिर से हम इसका डिविजन कर लेते हैं। डिविजन के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें देना होगा एक स्लिपिंग लाइन, उसके बाद में देना होगा कि स्टैंडिंग लाइन छोटा सा, एंड वन कर्व, अगेन वन कर्व, एंड देन वन टेल। स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, वन मोर कर्व, एंड देन वन टेल। दिस इज वेरी इजी वे टू मेक छोटी एंड बड़ी। आप इसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, एंड आप छोटी एंड बड़ी को इजिली बना सकते हैं। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, वन मोर कर्व, एंड देन टेल। इसके बाद में बड़ी कैसे बनाएंगे ये भी देख लेते हैं। तो पेरेंट्स हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, दे कैन गिव हियर इन ब्लर, वो ब्लर में दे सकते हैं लिखने के लिए, कुछ इस टाइप से जैसे हमने ओ एंड आ में किया था। ये थोड़ा सा कंपेयर टू दिस ब्लर रहेगा, यानी कि लाइट रहेगा। बच्चे इसको मेनी टाइम्स ओवरराइट कर सकते हैं विद पेंसिल, एंड दे विल बी एबल टू नो कि वो कैसे छोटी एंड बड़ी को लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो दोनों पेज को सेपरेट करवा सकते हैं, सॉरी दोनों अक्षर को सेपरेट करवा सकते हैं। एक पेज में सिर्फ आप छोटी का प्रैक्टिस करवा सकते हैं, दूसरे पेज में आप बड़ी का प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल एंड ईजी तरीके से बच्चे ऐसे में छोटी ई एंड बड़ी को बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि बेसिकली हम लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो होता ये है कि बच्चों ने ABCD तो सीख लिया, लेकिन हिंदी राइटिंग में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ऐसे में हमें एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कराना पड़ेगा, ताकि बच्चे कम्प्लीटली अ से लेके अ तक लिखना सीख। तो स्टार्टिंग में आपके पास में अगर ऐसी कॉपी अवेलेबल है तो आप इजीली इस पे करवा सकते हैं, नहीं तो फिर ये कॉपी तो सबके पास में अवेलेबल होती होगी। इसमें कैसे प्रैक्टिस करवाना है ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे इस और इस लाइन के, यानी कि 2 लाइन के बीच में लिखना होगा हमें। पहले हम क्या बनाएंगे, एक स्लिपिंग लाइन यहाँ पे, उसके बाद एक बहुत ही छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, एंड उसके बाद एक कर्व, और उसके बाद एक और कर्व, एंड देन टेल। आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। तो मैंने कैसे लिखा है, फर्स्ट लाइन के ऊपर नहीं गया है एंड लास्ट लाइन के नीचे नहीं गया है। इन बिटवीन 2 लाइन्स हमें हिंदी कॉपी में छोटी ई एंड बड़ी ई को लिखना होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस टाइप से मैं लिख रही हूँ बिल्कुल आपको स्मॉल करके लिखना है, ताकि आप हिंदी कॉपी में भी लिखना सीख सको। क्योंकि जब बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको ऐसी कॉपी नहीं मिलने वाली है, आपको सिर्फ इसी टाइप से कॉपी मिलेगी। तो ऐसे में अगर बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, तो पेरेंट्स हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सजेस्ट टू देम कि आप चाहे तो इसको ब्लर करके दे सकते हैं, ब्लर रहेगा कम्प्लीटली एंड बच्चे इसको ओवरराइट करेंगे। ओवरराइट करने का फायदा ये होगा कि वो जान लेंगे कि 2 लाइन्स में उनको छोटी ई एंड बड़ी या फिर
किसी भी अक्षर को हिंदी कॉपी में कैसे लिखना है। ओके, सो इस टाइप से आप अपने बच्चे की प्रैक्टिस बार बार करवा सकते हैं। बार बार करवाने से फायदा ये होगा कि जो हिंदी राइटिंग उनको बहुत ही टफ लगती थी वो उनके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। ये था आज का क्लास जिसमें हमने सीखा छोटी एंड बड़ी को कम्प्लीटली इस कॉपी में एंड इस टाइप की कॉपी में कैसे लिखते हैं। सो होपिंग कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट दो अक्षर के साथ में। तब तक के लिए बाय।